अस्सलाम मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी ऑल इंडिया जमीयतुल खैर तेलंगाना यूथ विंग प्रेसिडेंट। आज राजेंद्र नगर हलके में आउटर रिंग रोड गेट नंबर 17 के पास से गाड़ी आ रही थी जिसमें 19 बैल थे जिसकी डॉक्टर रसीद है, इसके रसीदा हैं पूरे बाजार से खरीदे हुए और ये फूड फ्रॉड स्लॉटर का जो सो सर्टिफिकेट है और उसके बावजूद कालू सिंह वहाँ पे आए, आगे जो है सो बगैर पुलिस की इत्तला के उन्होंने आगे गाड़ी रोके, ये खुलेआम इन्हों जो है सो चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रही है कुरैशी बरादरी के माल पर, ये गौरक्षक का चोला पहन ले गए लोग, कारोबार बनाए हुए इसको इसी तरह हमेशा इसी तरह से लूटमार मचाए हुए ये गुंडागर्दी कर रही। मैं सबसे पहले तो ये कह दूं ये बीफ जो है, मैं हिंदू हमारे हिंदू भाव से भी कहना चाहता हूँ, बीफ में जो है सो खाली दही नहीं है, इसमें ऑक्स आता, बैल आता, बछड़े आते, तमाम चीजें आती है। आप लोग बीफ बोलते हैं कि जैसे सिर्फ आप लोगों के दिमाग में जहन में ये बैठ चुका है कि ये सिर्फ गई का गोश है, ये नहीं है, इसमें बफेलो भी कटते हैं हमारे पास में, ऑक्स कटते हैं, ये लीगल तरीके से हम लोग स्लॉटरिंग कर रहे हैं। हम ऑलरेडी जैसे गई हमारे पास में नहीं कटा रहे खुरेज बहादरी में, हम हकीक गौरक्षक जो है कोर्ट में जो है अपील कर रहे हैं और उसके वास्ते लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग ये जो भी कालू सिंह है जिसके साथ जितने भी साथियां हैं और भी दीगर दीपक वगैरह जो भी नाम है, ये लोग इसी तरह इसको कारोबार बना लिए, इसी तरह आ रहे एक गरीब लोगों का। ऑलरेडी हम लोग ओबीसी में आते, हम लोग पिछड़े तबके में आते, लेकिन आज तक हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं पलाए, हम लोग सुबह से मेहनत करते हैं, 16 घंटे मेहनत करते हैं, उसके बावजूद ऐसा लोग आ रहे हैं, लीगल माल को भी लूट ले रहे हैं, डकैती डाल ले रही, हमारे कई लोग अभी तक सुसाइड कर लिए, ये इनका भी व्यापारी का कहना है। जंगल पकड़े उसमें कोई गाय थी? नहीं नहीं थी, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट मौजूद है यहाँ पे, 19 जानवर है, ये हम लोग पुलिस को भी व्हाट्सअप करे, 19 जानवर है गाड़ी के साथ है, फिट फॉर स्लॉटर का ये सर्टिफिकेट है, ये जानवर के रसीद है। अब हम लोग कालू सिंह के ऊपर कंप्लेन करें, पेपर वेरीफाई करें बगैर पुलिस वाले जो है गौशाला भी। हाँ देखिए, एज पर लॉ काम ये है, पुलिस पहले अगर जानवर की गाड़ी रोकती है तो पहले चेकिंग करना है और एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर को बुलाना है और जानवर चेक करना है, लीगल है नहीं है, उसका हमें फिट फॉर स्लॉटर है, ये चेक करे, बाद में वो लोग जब्त करना है और जब भी करना है तो गवर्नमेंट शेल्टर में डालना है, गवर्नमेंट गौशाला में डालना है, ये लोग प्राइवेट गौशाला में डाल रहे हैं, ये प्राइवेट गौशाला में डाल के यही लोग फिर माल बेच रहे हैं। आज तक हमारा एक साल के अंदर हजारों से जानवर पकड़ लिए, लेकिन आज भी गौशाला पूरे खाली है, वो लोग बाजू से फिर से तिजारत कर ले रही, ये बहुत बड़ा सरगना चल रहा है ये गौरक्षक के नाम पर, ये लोग और मामूल मांग रहे हैं, कालू सिंह जैसे जिससे मामूल ले रही उनका गाड़ी नहीं पकड़ रही, इसलिए मामूल के वास्ते कर रही, ये सिर्फ ये गौ के गौ से हमदर्दी नहीं है कालू सिंह, हकीकी गौरक्षक जो है, मैं इन लोगों के तंजीम का नामा नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो लोग कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे हैं, तमाम चीज कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ गौ के नाम पे अपना मामूल बना रही और जो है इसको पैसे लूट रहे हैं और डकैती डाल रही सिर्फ पैसे के वास्ते। अरे बुरादारी में पूरा जो है हम लोग पूरा काउंसलिंग करके पूरा यूनिटी बना के कोई आदमी गई नहीं लाना, कोई इलीगल माल नहीं लाना बोल के हम लोग सब ये कर लेके जो है ना, क्योंकि एक करा पूरे भुगत रहे, एक करा पूरे भुगत रहे बोल के हम लोग पूरा वो कर लिए, कोई नहीं हम पूरा बन कर मेरी गाड़ी जो हाँ मेरी गाड़ी जो है ना 8 बजे जो है ना गच्ची बोलीगंज से ला के आगे बीच में आके पकड़ के क्या करे पूरा वीडियो कर लेके करा के उनके बच्चों को देखे 17 नंबर प्लेयर का नहीं छोड़ गए बच्चों को ड्रेस नहीं पीएस को नहीं लाए गाड़ी कुछ नहीं ऊपर से नीचे तक नहीं आई डायरेक्ट गौशाले को गए जो जवानों को देखिए जवाना जवाना ले आके डायरेक्ट गौशाले को दिए उसका कोई जो है हाँ पीएस के जवानों को लेके गए यहाँ से वो लोग जो है ना हैंड ओवर करके वीडियो कॉलिंग कर लेके लेके चले गए वो लगा गाड़ी दे देकर लोग चले गए अब तक कितने गाड़ियां जो है ना बेहसाब गाड़ियां लेके चले आ रहे दोनों को हमारे कोई तुम लगा बोले सारे बोलते पूछे तो तू कौन से बहन के लोड़े कार से चढ़ा दे तुम तुझे कौन है माकड़े थे सिर्फ पहले निकल मैं कालू सिंह हूँ वो ये बोल के हमको डरा है पांचों आए उन्होंने पूरे मिल के ये लिखा है शिकायत में लिखा है आप लोग ये हाँ लिखा है मगर पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं बोले उनको केस बुक करा बोलते केस बुक कराए पांचों छह लोग थे उन्होंने कार में आए गाड़ी पुलिस वाले हैंड ओवर करे और पुलिस वाले अस्सू ने हैंड ओवर कर लिए कालू सिंह उन्होंने हैंड ओवर कर लेके 17 नंबर पे उनको आके हैंड ओवर करके चले गए कालू सिंह लोग पकड़ के 17 नंबर पे पुलिस के हैंड ओवर करे पुलिस के साथ वहाँ से चले गए गाड़ी की बात हुई थी कि अगर उसके अंदर गाय रहेंगी तो जब्त हाँ गाय रहे तो मैं खुद बोलिया ले जाओ बोल के गाय ने पूरे बैलान थे 19 बैलान थे लेके चले गए। हाँ अस्सलाम वालेकुम मैं फरीद सुरेशी जिली कमेटी सदर रमनसपुरा बहादुरपुरा हैदराबाद हमला जमीयतुल खुरेज से ताल्लुक़ रखते हैं और
बीफ मर्चेंट हमारी एसोसिएशन है जमीतुल कुरैश हैदराबाद, ये हमारी व्यापारी है अजीम कुरैशी। ऐसे लोग हमारे पास बहादुरपुरा स्लाटर हाउस को जानवर लाके बेचते हैं, जहां से दुकानदार जानवर खरीद के अपने दुकानों पर ले आके गरीब आवाम को गोश्त खिलाते हैं। ऐसे लोगों को कालू सिंह नाम के शख्स ने और उसके कई गैंगों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हैदराबाद के सराउंडिंग में जितने भी रोड्स है पूरे रोड्स पे वो लोग रॉबरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, रोडिज्म कर रहे हैं और पुलिस भी उनका साथ दे रही है। चार दिन आठ दिन पहले पुलिस वाले यहाँ पे बुलाए, हमारे को बोले कि भाई बकरीद आ रही, आप लोग मिलजुल के रहना, कोई भी रोड पे तमाशा नहीं करना, आपने अपने जानवर भी पकड़े गए तो पुलिस स्टेशन को आके बोलना, हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज हम सुबह 10 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुबह 9 बजे इनकी गाड़ी चेकपोस्ट से पहले ही वो लोग अपनी गाड़ी पकड़ लिए, पकड़ के ले आके जो उसको पुलिस वालों को बोल के गौशाले में ले आके उतार लिए। आप ये बताइए, जबकि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से ये इजाज़त है कि हम बैल और भैंस ये हम कैटल में जुबा कर सकते हैं, इसकी स्लाटरिंग का परमिशन है, उसके बावजूद ये लोग गाय की जो सो गाय की रोकथाम के लिए, जबकि गाय हमारी बिरादरी की तरफ से मुकम्मिल बैंड है, हम गाय जो सो ला रहे भी नहीं, बैल का जो सो हमारा कारोबार है ऑक्स का और बेफेलोस का, ये लोग वो भी कारोबार करने नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, हजारों की तादाद में इसी बिरादरी में व्यापारी है, फिर उनसे जुड़े हुए मुंडेदार है, उनसे जुड़े हुए दुकानदार है, उनकी बीवी बच्चे है, ये लोग जब रोडों पे उतर के आ जाएंगे तो इनको नौकरी कौन देगा, इनका रोजगार कौन देगा। कई सियासी पार्टियां हैं, कई लोग हैं, मगर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम कुरैश बिरादरी मजबूर हो गए कि हम एहतजाज करेंगे, बल्कि अब तक हमारी बिरादरी का एक साल में हमारी बिरादरी का तकरीबन 35 करोड़ का माल पकड़े गया। हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हुकूमत तेलंगाना सेकुलर हुकूमत है, मुसलमानों की मदद करती है, हर तबके की मदद करती है, लेकिन हमारे लिए कोई, इनके पास हमारी हिफाजत के लिए कोई इकदाम नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारे को झूठा तय खून देता है कि आप लोग लाइए, बैल ला सकते हैं, बैल जो है चेकपोस्ट पर बताइए, वहाँ डॉक्टर रखेंगे, ना डॉक्टर है, ना जो चेकपोस्ट पर हमला है, ना जो सो रोडिज्म को रोकने के पास इनके पास तरीका है। हम इनके खिलाफ यहाँ पे केस बुक कराए हैं कालू सिंह के खिलाफ, और अब DCP ऑफिस जा रहे हैं, कोई जो सो जिम्मेदार आदमी इनके पास जो सो है नहीं उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। मैं आवाम से अपील करूँगा, इस मसले को आप लोग भी हमारा साथ दें, और कुरैश बिरादरी के तमाम लोगों से यही कहूँगा कि बस हम जायज कारोबार करने के बावजूद भी हमारे को सताया जा रहा है। डिपार्टमेंट ने मीटिंग करते हुए बोले आप लोग को कि आप लोग जानवर के साथ गाय नहीं लाना, जब नहीं लाए फिर उसके बावजूद पुलिस से क्या रिस्पांस मिला? पुलिस से कोई रिस्पांस नहीं मिला, खाली बस हम केस बुक करा दिए, पुलिस वाले भी बोल रहे केस बुक करा दो, हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई जानवर नहीं छूटे, बुक हो गया लोग के ऊपर, हम क्या हुआ, हम केस बुक कराए और कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। माल बेच रहा लिख जाके हमारा लूट के बोल, राजा 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 राजा